नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। सदियों से हमारे देश में एक परंपरा है ढूंढ पूजन। पुत्र रत्न की प्राप्ति के पहले साल यानी कि जिस वर्ष पुत्र का जन्म होता है उसके बाद में जो होली आती है उस होली के अवसर पर ढूंढ पूजन किए जाने की काफ़ी पुरानी परंपरा है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ढूंढ पूजन और ढूंढ के उद्यापन से संबंधित जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि ढूंढ पूजन क्या होता है, कैसे किया जाता है। धीरे धीरे हमारी ये प्राचीन परंपराएं विलोपित होती जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारी परंपराओं को जिंदा रखने में हमारा सहयोग कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ढूंढ पूजन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि 11 के दिन पूजा की जाती है। जिस वर्ष बच्चे का जन्म होता है उसी वर्ष बच्चे के जन्म के साल ही ढूंढ पूजी जाती है। पहले बेटे के जन्म पर ढूंढ पूजन किया जाता था, लेकिन अब बेटियों का मान बढ़ाने के लिए भी जब पहली बेटी का जन्म होता है तब ढूंढ पूजन किए जाने लगा है। एक साल तक के बेटों का ढूंढ पूजन किया जाता है यानी कि एक वर्ष तक के नवजात शिशु का ही ढूंढ पूजन किया जाता है। यह एक सामाजिक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार पिछली होली के बाद पैदा हुए बच्चों का फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर ढूंढ पूजन किया जाता है यानी कि जन्म के बाद जो भी होली आती है उसी होली पर ढूंढ पूजन किया जाता है। यह पूजन होली से 4 दिन पहले किया जाता है। कुछ लोग होली वाले दिन भी ढूंढ पूजाते हैं। बच्चे को गोद में लेकर होली की परिक्रमा लगाई जाती है ताकि वह सभी बुरी नज़रों से बचा रहे। लोक मान्यताओं के अनुसार जब तक बच्चे का ढूंढ पूजन नहीं कर दिया जाता है तब तक उसको सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं और माथे पर सीधा तिलक नहीं लगाया जाता है। ढूंढ पूजन से पहले तक बच्चे को आड़ा तिलक ही लगाया जाता है। पहली बार ढूंढ पूजन पर बच्चे को सफ़ेद रंग के नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद में सीधा तिलक लगाया जाता है। ढूंढ का सामान माता के पीहर से या फिर बुआ के घर से आता है। उसमें माता का पीला ओढ़ना यानी कि बच्चे की माँ का पीला ओढ़ना आता है बच्चे के ननिहाल से। बच्चों के सफ़ेद कपड़े आते हैं, साथ में बतासे, फल, मिठाई, फूल और कुछ रुपए इत्यादि आते हैं। यदि ननिहाल पक्ष सक्षम परिवार से होता है तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए समाज में मिठाई भी बांटी जाती है। ढूंढ पूजन या उद्यापन के समय परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। पूजन के समय बच्चे की माँ पीला ओढ़ना पहनती है और बच्चे को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाकर गोद में लेकर घर के सेंटर में चौक में बैठती है। एक शेर सिंगाड़े तथा बतासे की ढेरी बना ली जाती है। फिर माँ के द्वारा रोली चावल चढ़ाकर जल का छींटा दिया जाता है। कुछ पैसे रखकर मिनसकर सास को दिया जाता है और उसका आशीर्वाद लिया जाता है। माँ और बच्चे को परिवार के सदस्य उपहार आदि देकर उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही होली का एक दल आता है जो अपने गीतों के साथ में डंके बजाते हुए बच्चे की बुरी नज़र को उतारते हैं। इस तरह से पारंपरिक तरीके से ढूंढ पूजन किया जाता है। तो ये थी ढूंढ पूजन की एक छोटी सी जानकारी। खासकर राजस्थान में हमारे यहाँ इस पर्व को, इस परंपरा को काफ़ी मनाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में भी इस तरह से ढूंढ पूजन किया जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को और शेयर कर सकें। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।